नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पांच ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिजनेस लाइन में कभी भी मार नहीं खाने वाले हो, कभी भी आपका धंधा बंद नहीं होने वाला है, कभी भी आपका धंधा लॉस में नहीं जाएगा। ये पांच जो तरीके आपने आजमा दिए तो 100% कहता हूँ कि आपका धंधा बहुत अच्छे से चलेगा, फास्ट तरीके से ग्रोथ होगा और बहुत अच्छी आपकी रेपुटेशन और वैल्यू बनेगी। मैं आपको पर्सनली बता दूं दोस्तों, मैं खुद भी एक दुकानदार हूँ, मैंने भी ये चीज़ें आजमाई हैं, ये चीज़ें मैंने भी अपने मार्केट में और अपनी दुकानों पर देखा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनली मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरी पर्सनली दो दुकानें चल रही हैं और अच्छे से मैं इनको रन कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको एकदम रियल है और ये चीज़ सही बात है। आज मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा, बहुत से लोग दुनिया में अपना नए स्टार्टअप करते हैं, नए दुकानें चालू करते हैं, वो बहुत जल्द ही फेल हो जाते हैं, 4-5 महीने 6 महीने 1 साल में क्लोज करके चले जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या है, इनका कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। पर्सनली एकदम जो भी चीज़ें हैं ना मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों आप लोग वो मत करो, बट जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, उस स्टार्टअप करने के पहले ये पाँच चीज़ें आप नोट डाउन करो, समझो, फिर आप अपने दुकान को और जो भी आप चालू कर रहे हो वो चालू करो। मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, समझ गए? पहले पर इस पांच चीज़ों को समझ देना बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगी। कभी भी आप धंधे में मार नहीं खाने वाले हो, कभी भी आपका धंधा नुकसान में नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं खुद दे रहा हूँ, समझ गए? आपको ट्रस्ट या भरोसा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, 100% मैंने भी आजमाया है और मैंने पर्सनली अपनी दुकानों में ये चीज़ की है और आज की डेट पर मैंने पर्सनली दुकानों को मैंने परचेज भी किया है। तो मैंने जो स्टेप है फॉलो किए और इस प्रकार से मैंने अपने बिजनेस को डेवलप किया, आने वाले और भी दिनों में ये बढ़ता ही जाएगा, नुकसान में नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यही चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, कोई भी धंधा हो XYZ, जो आप जूते की दुकान चालू कर रहे हो, सब्जी का ठेला चालू कर रहे हो, या आप रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे हो, या कोई रिपेयरिंग की शॉप आप ओपन कर रहे हो, या कोई कपड़े की दुकान ओपन कर रहे हो, मैं आपको वो नहीं कहता हूँ कि आप वही ओपन करो। आपको जो ट्रस्ट है, अपने आप पर भरोसा है और आप जो कर सकते हो बेहतर से बेहतर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट जो आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, इसके बारे में समझना, आप जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो ना उसके बारे में आपको उसका पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे कस्टमर के साथ डील करते हैं, इनमें कितना प्रॉफिट होता है, कितने में आता है, कितने सेलिंग होता है, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि दोस्तों आप कहीं पे भी जाके 6 महीने 5 महीने इसका डिटेल में आप जानकारी लो। यदि आपको ये जो दुकान ओपन कर रहे हो, कपड़े की हो, जूते की हो, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इसमें अच्छे से ग्रोथ हो सकता हूँ, अपने मार्केट में अच्छा सा सकता हूँ, अच्छा पैसा बना सकता हूँ, तो ये चीज़ आपको अपने मार्केट में, अपने शहर में जाके इस चीज़ को समझना होगा। वहाँ पे आपको इसका आइडिया लेना पड़ेगा, वहाँ पे रह के अच्छा काम करना पड़ेगा, वहाँ पे किसी दुकान पे भी आप रहोगे तब भी वहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि दोस्तों 3 महीने भी अच्छा रह जाते हो ना दुकान पे, कहीं किसी भी दुकान पे, आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी दुकान पे रहो और कोई पैसा मत लो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, अच्छे से समझाएगा। उसको क्योंकि एक फ्री में वर्कर मिल रहा है तो वो क्यों है वो मना करेगा, आपको समझाएगा, आपको फ्री में मिल रहा है तो हर एक चीज़ समझाएगा वो आपको। और यदि आपसे हो सके तो थोड़ा बहुत कुछ पैसा दे दो, 1500-1500 रुपये दे दो, आपका कोई इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन उससे जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, आपका धंधा बहुत तेज़ी से ऊँचा जाएगा, समझ गए? इस चीज़ को मानो। अब जब आप वहाँ से अच्छे से ज्ञान ले लोगे, उस दुकानदार से या उस व्यापारी के साथ में जुड़ के आप अच्छा नॉलेज ले लोगे, अच्छी जानकारी ले लोगे, तब आपका बिजनेस नुकसान तो होना ही नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज़ समझ दी है। अब आपने ये पूरा जो आपने सेटअप कर दिया कि भाई साहब मेरे को इसमें करना है और ये चीज़ करना है और इतना मेरे को एक्सपीरियंस है पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप धंधा फैल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद में जो दूसरा जो मेरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग क्या है, नौकरी करते हैं, सच बता रहा हूँ, नौकरी करते हैं, नौकरी है जो सुबह जाते हैं 9 बजे 5 बजे तक जाते हैं, वापस आ जाते हैं 9 बजे जाते हैं, फिर 5 बजे आ जाते हैं, ये एक इनका फिक्स है। यदि वो नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। वही चीज़ आपको भी अपने धंधे में एक टाइम फिक्स होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। यानी आपने सुबह जो ओपन की 7 बजे से, अपने 7 से 8, 9, 10 बजे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो 10 बजे 11 बजे अपनी दुकान खोलते हैं और 5 बजे बंद करके चले जाते हैं, तो उनका धंधा नुकसान में होता है, लॉस में होता है। तो आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आप जो भी धंधा स्टार्ट किया हो उसको टाइम देना ज़रूरी है। मैंने भी आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने भी 3 साल अपनी दुकान पर खुद रह के मेहनत की है, अच्छा सा जो कस्टमर के साथ डील की है, तभी आज अच्छा सा इनकम हो पा रही है। ये पीछे का बैकअप देखा जाता है दोस्तों, आप एक बार दोस्तों अपने मार्केट में अपनी पकड़ बना दी तो
तो आपका ग्राहक कहीं नहीं जाने वाला है, समझ गए? तो आप इस चीज़ को समझो, आपको पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको टाइम का मैनेजमेंट करोगे तो ग्राहक आपके पास दौड़ते हुए आएगा। सारी दुकानें नहीं खुले उससे पहले आपकी दुकान खुले, सब कस्टमर आपके पास ही आने वाले हैं। ट्रस्ट रहेगा कि भाई साहब उनकी 7 बजे दुकान खुल जाती है तो वो कहीं ना कहीं 7 बजे पहुंच ही जाते हैं। और बात की है जो सारी दुकानें आपके आसपास में 7, 7:30, 8, 9 बजे खुलती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा आपके मार्केट में, और सबसे अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपका फिक्स होना चाहिए, आपकी दुकान लेट बंद हो और एक टाइम आपका फिक्स है कि आपके सुबह जो 10 बजे खुलेगी, 11 बजे खुलेगी, ये तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बहुत से लोग क्या हैं कि जो इनका टाइम का मैनेजमेंट भी करते हैं लेकिन वो उनमें टाइम अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जो जैसे ही 5 बजे 6 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, उसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपको उसमें देना चाहिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत, तो आपको लगाना चाहिए। चाहे आपकी 10, 11, 12, 1 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काम पूरा करना चाहिए। यही मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों। बहुत से लोग रिपेयरिंग की दुकानें लगाते हैं और रिपेयरिंग में अच्छा पैसा कमाते हैं, 9, 9, 10, 10, 11, 11 बजे तक काम करते हैं रात को। उनको पता है कि भाई साहब मेरे को आज काम करना है, कल नए ग्राहक आने वाले हैं उनका भी काम करके देना है। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों कि आपको समझना पड़ेगा अपने मार्केट में अपनी दुकान को जमाने के लिए अच्छे से, जो उन कस्टमर के साथ डील करने के लिए और अपनी मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए पहले उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका धंधा अच्छा चल पाएगा। दोस्तों मेरा जो तीसरा जो पॉइंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल निभाएगा आपके लाइफ में और आपके दुकान को स्टार्टअप करने में। आप जो क्या कि आलतू फालतू की बातें सुनते हो और वही बातें सुनने के बाद आप दुकान स्टार्ट कर देते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यानी आपको मार्केट में समझना है कि आपके मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए ग्राहक बार बार आ रहे हैं, आपको ये चीज़ आपका फिक्स है तो आप उस दुकान ओपन कर सकते हो। यानी मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ आपको लगाना है। बहुत से लोग हैं पहले से जो डिसाइड कर देते हैं मेरे को वो करना, लेकिन वहाँ पर मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ पे जो आपको लगाने पर कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, तो फिर ऐसी दुकान लगाने से क्या मतलब है? आप हो सके तो वही दुकान आप कहीं और दूसरी जगह लगाओ और दूसरे एरिया में लगाओ, वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त हैं जो भी दुकान लगा रहा है, वो क्या है कि जो एक मार्केट की वैल्यू नहीं समझता है, मार्केट में कहाँ लगाना चाहिए क्या चीज़ है ये वो नहीं समझ पाता है। क्योंकि एक नया होता है ना, नया जोश होता है, तो कहीं पे भी वो लगा देता है, कहीं पे भी चालू कर देता है, चाहे वो 10,000 बढ़ा आ रहे हैं, 6,000 बढ़ा आ रहे हैं, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो चालू कर देता है, वो 2-4 महीने पर चलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप चलाने वाले हो, जो भी जगह चलाने वाले हो, पहले आपने ये जगह का फिक्स कर देना है, मार्केट को समझ देना है, फिर अपने दुकान को ओपन करना है। आपकी दुकान ऐसी जगह हो जो कस्टमर आपको बहुत आसानी से मिल सके, आसानी से आपको पकड़ सके, आसानी से आपके पास में आ सके, ऐसी जगह आपको लगाना है। इसके बाद में दोस्तों मेरा जो चौथा पॉइंट है, और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें भी बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। बहुत से लोग क्या है कि अभी नई दुकान लगा लेते हैं, तो नई दुकान में क्या है कि जो माल है जो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000 का माल स्टॉक भर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ा गलत पॉइंट है मेरे हिसाब से। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने जब अपना दुकान को स्टार्टअप किया था तो मेरे पास इतना कोई बजट नहीं था और मेरे पास में कोई इतना पैसा नहीं था, सच बता रहा हूं मैं आपको। नॉर्मल मेरे पास में 5,000-6,000, 10,000 इतना ही था। मैंने अपना स्टार्टअप किया था, मैंने वहाँ से शुरू किया था जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ। मैंने अपना किराए से दुकान को स्टार्टअप किया था, नॉर्मली मेरे पास शायद 5-6 हज़ार रुपये ही था, उसी से मैंने अपने दुकान को स्टार्टअप किया था। क्योंकि मेरा जो दुकान स्टार्टिंग में रिपेयरिंग का था और आज भी है, रिपेयरिंग में भी जुड़ रहा है और इसके साथ में इलेक्ट्रिकल पर भी काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब स्टार्टिंग में काम किया तो मैंने जो 5-6 हज़ार के जो भी चीज़ थी जो रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है, टूल वगैरह हैं, जो भी चीज़ें थी उनको मैंने परचेज किया। मेरा ये इससे काम नहीं रुकेगा, तो वो चीज़ मैंने जो काम में परचेज किया वही चीज़ें परचेज की, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। और आज की डेट में बता रहा हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ, मेरे पास में सारे आइटम मिल जाएंगे आपको। कूलर हो गया, अपना टेबल फैन हो गया, जो भी जो डीसी फैन है, जो भी चीज़ें आपको लगभग ऑलमोस्ट मिल जाएगी मेरे पास। तो मैंने वहाँ से शुरू किया और आज की डेट में वहाँ तक पहुँचा हूँ और अपने दुकान को भी मैंने परचेज भी किया है। तो इतना कुछ करने में ये सब चीज़ें समझाऊँ मैंने और उतना आगे बढ़ाऊँ, तो ये सब मेरे मेहनत है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कभी भी जो एक साथ माल मत भरना, ये सबसे आपकी बड़ी गलती हो सकती है। तो मैंने भी जो पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने भी अपना कोई माल एक साथ स्टॉक नहीं किया था, मेरे पास इतना बजट भी नहीं था, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास में बजट है तो आप कम पैसों के साथ शुरू करो। मैं आपको ये कहता हूँ कि 30% का ही माल लेके आओ। जब आपका माल आप एक बार लाओगे तब कस्टमर आपके पास में आएंगे, कस्टमर आएंगे तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि भाई साहब कौन सा कस्टमर क्या मांग रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, तब बाकी का पैसा भी धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करो।
आप एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप नुकसान में चले जाओगे, लॉस हो जाएगा आपको, और हो सकता है कि धंधा आपको बंद हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और हो सकता है कि दोस्तों बहुत से लोग हैं जो लाखों रुपए जो पैसा लगा लेते हैं और वो टप हो जाता है, एक साल भी आपका जो पैसा है लगा हुआ वो आपका टप हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने जो कमाया नहीं वो गवा दिया आपने। आपको ऐसी चीज़ों में लगाना है जो हो सके तो एक दो महीने में वापस सेलिंग हो जाए, बिक जाए और आपको पैसा दे दे कमा के। तो ऐसे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है और ऐसे आपको परचेज करना है, सेलिंग करना है। इसके बाद में दोस्तों जो मेरा पांचवा जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान को स्टार्टअप करते हैं, जो भी पैसा होता है एक साथ दोग देते हैं, पैसा जो भी होता है वो एक साथ लगा लेते हैं, फिर अपना किराया ढूंढते हैं, भाई साहब कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो क्या है, जो किराया कैसे बैठा होगा मेरा, कैसे मेरा किराया निकलेगा। इसके लिए बहुत से लोग अपने दिमाग में सरदर्दी ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं और दुकान को बंद करने की सोचते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप जो भी दुकान स्टार्टअप कर रहे हो तो कम से कम आप 6 महीने का पैकेज अपने पास रखो, आपके बैंक अकाउंट में रखो, अपने खाते में रखो, अपने वाइफ को दो, अपने मम्मी को दो, अपने पापा को दो, आपके सेफ जगह पड़े रहना चाहिए कि आपको ऐसा तकलीफ नहीं हो कि भाई साहब आपके अंदर सिर दर्दी है कि अगले महीने मैं कहाँ से किराया भरूंगा, ये आपके टेंशन हो जाएगी। तो आपको कम से कम 6 महीने का आपके पास पैकेज होना चाहिए परमानेंटली, तो आपका बिजनेस ठप्पे के साथ आगे बढ़ने वाला है, नुकसान कभी नहीं होगा। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी भैया मेरा आज नहीं चला धंधा, कहाँ से लेकर आऊँगा किराया, ये चीज़ आपके नहीं रहेगी, तो आपका बिजनेस 100% कह रहा हूँ चलेगा ही चलेगा। इसके बाद में एक मेरा लास्ट का जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग करते हैं गलती, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी दुकान या कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको एग्रीमेंट बना देना है, चाहे आप कहीं पे भी स्टार्टअप कर रहे हो, यदि आपकी आप खुद की है परचेज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि नहीं किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एग्रीमेंट बनाओ। एग्रीमेंट कम से कम 10 साल का होना चाहिए, बहुत से लोग 1-2 साल का बनाते हैं फिर उनकी दुकानें जमने लगती है और वो किराए या तो बढ़ा देते हैं या जो खाली करने के लिए बोल देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप कोई भी दुकानदार हो या कोई भी जो जिसके किराए ले रहे हो आप, कम से कम उससे एग्रीमेंट 10 साल का बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों 1-2 साल में आपका जो उसका दिमाग हट जाए, दिमाग है जो फिर जाए, जो भी दुकानदार है आपका जो उसका किराए मालिक है हो सकता है कि आपको खाली करवा दे, आपकी जैसे दुकान जमने लगे अच्छा पैसा कमाने लगो आप लोग और दुकान आपकी खाली करवा दे, तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है, जो भी आपकी मेहनत है बेकार चली जा सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई साहब जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो कम से कम आपको 10 साल का एग्रीमेंट जरूर बना देना है, क्योंकि आप 10 साल में तो इतना पैसा कमा दोगे, इतना प्रॉफिट तो कमा दोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा हो सकता है, आपका नुकसान तो नहीं होगा इससे अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी स्टार्टअप करते हैं, दुकान को ओपनिंग करते हैं और जो 2-4 महीने 5 महीने 1-2 साल में बोल देते हैं भाई साहब कि आप हमारे यहाँ पर मत रहो, खाली कर दो मेरी दुकान को, मेरे लिए सेट हो रहा है। ये बहुत से मैंने देखा पर्सनली और इन चीज़ों को समझाऊँ मैंने तभी ये पॉइंट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से जो भी ओपिनियन था एकदम जेन्युइन था, और आपको अच्छा लगा हो ये पॉइंट तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करना और अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करना, जो लोग स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, दुकान ओपनिंग करने की सोच रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर देना बस।